उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों अखिलेश यादव से लगभग हर पार्टी संपर्क करने की कोशिश कर रही है, मुलाकातें कर रही है। यहां तक कि कांग्रेस भी उनके नंबर कई बार लगा चुकी है और आम आदमी पार्टी की मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। संजय सिंह तो लगातार अखिलेश यादव की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। वहीं पर तमाम और छोटे ऐसे दल हैं जिनसे अखिलेश यादव अपना हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। जयंत चौधरी पहले से ही उनके साथ जोड़ी जमाए हुए हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर के बीच में एक ऐसा चेहरा है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा भी है और अखिलेश यादव उस चेहरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। जी हाँ, ज्यादा बातें ना आगे बढ़ाते हुए हम आपको सीधे बताते हैं कि अखिलेश यादव चाचा शिवपाल पर बोलने से बचते क्यों हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि गठबंधन होगा, लेकिन बावजूद इसके चाचा शिवपाल अखिलेश यादव के पास दिखाई नहीं देते हैं, ना मुलाकात करते दिखते हैं। यहां तक कि परिवार के कार्यक्रमों में भी दोनों के बीच दूरी ही बनी रहती है। चुनाव में सिर्फ अब 5 से 6 महीने का समय रह गया है और इस समय के बीच में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अगर एक बार भी मुलाकात नहीं करते हैं तो ये सीधे सीधे माना जाएगा कि दोनों के बीच में ऑफर पर सहमति नहीं हो पा रही है। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। अखिलेश यादव जसवंत नगर की एक सीट देकर चाचा को खुश करना चाहते हैं, लेकिन चाचा शिवपाल यादव एक सीट के साथ खुश नहीं है। पहले भी चाचा शिवपाल यादव ये बता चुके हैं कि 403 सीटों की राजनीति करने वाले इस नेता को एक सीट देकर उसकी बेइज्जती करने के बराबर है। इस बात पर शिवपाल यादव अपने दिल का दर्द बयां कर चुके हैं, लेकिन ये दर्द अखिलेश यादव के दिल को अभी तक पसीज नहीं पाया है, क्योंकि अखिलेश यादव इस बार अपने फैसलों को बदलने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कांग्रेस को साथ नहीं लेने का उनका फैसला बिल्कुल सख्त है, ऐसे ही शिवपाल यादव को एक सीट से ऊपर नहीं देने का फैसला भी बिल्कुल सख्त है। अखिलेश यादव इस बार कुछ नए लोगों के साथ चलने की कोशिश में है, जैसे कि आम आदमी पार्टी। ये पहली बार होगा कि अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दे कि पुराने गठबंधनों से अखिलेश यादव बहुत सीख ले चुके हैं, जैसे कि मायावती। मायावती के गठबंधन के वक्त शिवपाल यादव भी काफी दुखी हुए थे, उनको ये गठबंधन रास नहीं आया था। लेकिन अब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की करीबी बहुत को रास नहीं आने वाली, शायद यही वजह है कि इनकी दूरियां अभी तक बनी हुई हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।